हेलो फ्रेंड्स, स्वाद अश्ला में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सूखे काले चने लेकर के आई हूँ। ये आप नवरात्रि में माता रानी का भोग लगा सकते हैं। इस सूखे चने का नवरात्रि में लोग अष्टमी और नवमी वाले दिन माता रानी का भोग लगाते हैं और कन्याओं को भी खिलाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं जिससे कि आपको मेरे अगले वीडियो की रेसिपी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं काले चने बनाना। इसके लिए मैंने ये एक कटोरी मैंने काले चने लिए थे, इसको मैंने रात में पानी में भिगो दिया था। ये रात भर पानी में पड़े रहे और ये फूल गए हैं। अब ये देखिए इस तरीके से फूल करके फिर ये चने थोड़ा क्वांटिटी में ज्यादा हो जाते हैं, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, इन चनों का हमें पानी निकाल देना है और हमें ये चने जो है एक कुकर में डाल देना है। और इसमें हमें पानी डाल देना है। पानी का लेवल हमें इतना रखना है कि चने इसमें डूब जाए अच्छी तरीके से, ये देखिए इतना हमें पानी रखना है इसमें। अब इसमें हमें आधे चम्मच हमें नमक डाल देना है और नमक डाल करके हम इसको बंद कर देंगे और इसको हम इंडक्शन में चढ़ा देंगे। इसको हमें दो सीटी हमें हाई फ्लेम में देना है, फिर उसके बाद हमें इसको स्लो कर देना है और सिम में इसको हमें 5 मिनट तक पकाना है। तो अब 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इंडक्शन को बंद कर देते हैं। इसका जब सारा प्रेशर निकल जाएगा तब तक हम इसको वेट करते हैं। अब कुकर का प्रेशर पूरा निकल गया है, अब इसको हम खोल के देख लेते हैं। देखिए चने मेरे पक गए हैं, ये देखिए चने पक गए हैं अच्छी तरीके से। अब इस चने का हम पानी अलग कर देते हैं, चनों को हम निकाल लेते हैं इसमें से। चने आप कोई सा भी ले सकते हैं, बड़े चने भी ले सकते हैं, मैंने छोटे चने लिए हैं। मार्केट में दो तरह के चने आते हैं, एक बड़े चने आते हैं, छोटे चने आते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक कटोरी में हमें हल्दी लेना है, ये आधी चम्मच मैंने हल्दी ली है और एक चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। मिर्च पाउडर अपने जितना भी तीखा करना चाहें तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और आधी चम्मच ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है और एक चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक मैंने पहले भी डाला था तो इसलिए नमक हम थोड़ा कम डालेंगे। अब इन सब का हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये पेस्ट तैयार करके मैंने रख लिया है। अब हमें क्या करना है कि एक कढ़ाई लेना है, उसको हम फिर से चढ़ाएंगे। हम कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच हम घी डाल देंगे। आप माता रानी के भोग के लिए बना रहे हैं तो आप घी डालिए, नहीं तो आप इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाइए, ये बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हम ये जीरा डाल देंगे आधी चम्मच और हींग डाल देंगे 1 पिंच और ये हम 1 कटी हरी मिर्च इसको भी डाल देंगे। अब ये जो मैंने मसाला रेडी किया था उसको भी हम इसमें डाल देंगे। ऐसे सूखे मसाले डालने से क्या होता है कि मसाले जल जाते हैं, तो इसको हम इस तरीके से डालेंगे तो मसाले जलेंगे नहीं। मसाले डाल करके हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। इसमें मैंने एक बड़ा टमाटर लिया था, इसकी मैंने प्यूरी बना ली थी, इसको भी हम इसी में डाल लेंगे। टमाटर डाल करके इसको भी हम चला लेंगे। अब ये टमाटर और मसालों को हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। आप चाहें तो इसमें ग्रेट किया हुआ अदरक भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है।
मसाले और टमाटर इसलिए पक चुके हैं, ऑयल छोड़ दिया है इसमें। अब इस चीज में हम क्या करेंगे, ये मैंने जो कड़े उबाले थे उसको हम डाल देंगे इसी में। मैंने सारे चने नहीं डाले हैं, कुछ चने हम इनको ग्रेवी वाले बनाएंगे, आप ग्रेवी वाले भी चने इसको बना सकते हैं। अब एक चम्मच हम पिसी खटाई डाल देंगे, अगर आपको और भी खट्टा चाहिए तो आप और भी डाल सकते हैं। अब इसको हम सिम में 5 मिनट तक थोड़ा सा पका लेंगे, जिससे कि ये सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए चनों के साथ में। अब इसको हम खोल लेते हैं, अब इसको हम खोल करके फिर से चला लेंगे इसको। इसको हम इसी तरीके से 2-3 मिनट तक इसको चलाएंगे, जिससे ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। अगर आपको थोड़े गीले रखने हैं तो आप इस तरीके से फ्लिप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ड्राई पसंद है तो इसको मैं ड्राई कर लूंगी। अब देखिए चले ये ड्राई हो गए हैं अच्छी तरीके से। अब इसमें 1/2 चम्मच हम गरम मसाला डाल देंगे, गरम मसाला डाल के हम इसको चला लेंगे। अब हम बंद कर देते हैं ढक्कन को और इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं चनों को। अब इसमें हम हरी धनिया से ऊपर से गार्निश कर देंगे। तो लीजिए तैयार है ये काले सूखे चने, इसका आप माता रानी को भोग लगाइए, आप कन्या भोज में भी इसको दे सकते हैं, आप चाहे तो इसको चाय के साथ में आप नाश्ते में भी ले सकते हैं। इसको आप नाश्ते में लेने के लिए आप इसमें ऊपर से प्याज और हरी मिर्च और टमाटर नींबू निचोड़ करके भी ले सकते हैं, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। चलती हूँ मैं, मिलती हूँ अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।